नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल नामक कहानी है। तूने सुना श्री बुद्ध भगवान के बारे में? भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन राजा थे, माता महामाया थे। 16 वर्ष में उनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम यशोधरा थे। उनका एक पुत्र था राहुल। कहानी की ओर से बच्चों, तूने सुना अंगुलीमाल नाम? अंगुलीमाल नाम एक बहुत खतरनाक डाकू थे। वह एक जंगल में रहता था। ये जंगल से आने वाले लोगों को वो मारते थे। इसके बाद उनको अंगुलियों को काटकर अंगुली माला पहनते थे, इसलिए उनका नाम अंगुली नाम पड़ा। इसलिए लोग उसे बहुत डरते थे, क्योंकि ये जंगल से आने वाले लोगों को वह लूटना, जान ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। बच्चों, वह सदा लोगों को मारकर उनके अंगुलियों को काटकर अंगुली माला उनके गले में पहनते थे। बच्चों, एक दिन हमारे भगवान बुद्ध को ये जंगल से जाने का अवसर मिला, लेकिन लोगों ने भगवान बुद्ध से कहते थे कि ये जंगल से जाना अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ अंगुलीमाल नाम का एक खतरनाक डाकू रहते हैं, वह लोगों को मारते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने इरादा पर अटल किया। श्री बुद्ध भगवान ने ये जंगल से जाने का तैयार किया। अंगुलीमाल को इसके बारे में समझ के जब श्री बुद्ध भगवान ने यह जंगल में जाते हैं, तब अंगुलीमाल ने चुन चलाकर बहुत क्रोध से उनके पास गया। तब श्री बुद्ध भगवान ने क्या किया? श्री बुद्ध भगवान ने मुस्कुराहट करके अंगुलीमाल को स्वागत किया। ये भगवान बुद्ध की मुस्कुराहट देखते समय अंगुलीमाल के मन में बदल हो गया। क्या बदल हो गया? अंगुलीमाल का मन पत्थर जैसा है बच्चों, ये पत्थर जैसा दिल मुलायम हो गया। और बुद्ध ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? सामने के एक पेड़ है ना, ये पेड़ से चार पत्ते तोड़ लाओगे। ये सुनते समय अंगुलीमाल ने दौड़कर यह पेड़ के पास जाकर चार पत्ते तोड़कर वहां आया। तब बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि अब एक काम और करो। क्या काम है बच्चों? जहां से इन पत्तों को तोड़कर लाए हो, वहां से उन्हें लगा दो। तब अंगुलीमाल ने बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं पहले इस पत्ते को तोड़ लाएंगे, इसे वहां लगाना यह मुश्किल की बात है। तब बुद्ध ने कहा, भैया, जब तुम जानते हो कि टूटा हुआ जुड़ता नहीं, क्या बात है, टूटा हुआ जुड़ता नहीं, फिर तोड़ने का काम क्यों करते हो? यह सुनते समय अंगुलीमाल को बोध हो गया। क्या बात है बच्चों, क्या बोध हो गया? मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं सदा लोगों को मार कर उनकी अंगुलियों को काट कर माला पहनते थे, यह बुरी बात है। इस समय अंगुलीमाल ने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपने सारे बुरे काम को छोड़ने का निश्चय किया। वह सारे बुरे काम को छोड़कर भगवान बुद्ध के शरण में आ गया। अंगुलीमाल ने श्री बुद्ध भगवान के शिष्य बन गए। बच्चों, हम आशा करते हूँ कि आप सबको समझ गए। धन्यवाद।